हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आई क्यू पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थॉमस कुक कंपनी के बारे में, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है। ये कोलैप्स हो चुकी है और इसको कंपलसरी जो है लिक्विडेशन की तरफ भेज दिया गया है। जो इसके प्रमोटर्स हैं, जो मालिक हैं इनके, इन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि जो इतना बड़ा डेट हो चुका है इस पूरे कंपनी पर, वो इसको आगे और कैरी ऑन नहीं कर सकेंगे। तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि जो थॉमस कुक इंडिया जो बिजनेस है, मतलब आपने नाम सुना होगा थॉमस कुक इंडिया में भी चलता है, तो क्या इस पर इंडिया में भी इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो लेट्स मूव एंड दिस इज़ मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ न्यूज़ में देख सकते हैं, ग्लोबल केओस एज थॉमस कुक कोलैप्सेस एंटर्स कंपलसरी लिक्विडेशन। कंपलसरी जो है इसको लिक्विडेशन की तरफ भेज दिया गया है। और यहाँ पे जो ट्वीट आया था थॉमस कुक का, जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पे लिखा है, वी आर सॉरी टू अनाउंस दैट थॉमस कुक हैज सीज्ड ट्रेडिंग विथ इमीडिएट इफेक्ट। मतलब कि आपको पता है ये शेयर मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, तो इसको इमीडिएट इफेक्ट से कम्प्लीटली सीज कर दिया गया है। साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे थॉमस कुक ग्रुप के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ट्रैवल कंपनी है, जिसको फाउंड किया गया था 1841 में। देखिए, इसका पहले नाम था थॉमस कुक एंड सन, बाद में चलकर इसका नाम चेंज कर दिया गया थॉमस कुक एजी, और 2007 में आप देखेंगे कि थॉमस कुक एजी और माई ट्रैवल जो ग्रुप है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और अल्टीमेटली इसका नाम बन जाता है थॉमस कुक ग्रुप। और जैसा कि आप यहाँ विकिपीडिया में जब सर्च करेंगे, तो यहाँ भी वॉज लिखा हुआ आ रहा है। कहने का मतलब है थॉमस कुक ग्रुप वॉज अ ग्लोबल ब्रिटिश ग्लोबल ट्रैवल कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट टेंस हो गया है, इसका मतलब ये सीज कर दी गई है और ये इसका जो पूरा बिजनेस है थॉमस कुक ग्रुप का, ये बंद हो चुका है। साथ में आप यहाँ देखिए, इट वर्क्स अंडर होटल्स, रिसॉर्ट्स एंड एयरलाइंस फॉर 19 मिलियन ट्रैवल्स अ ईयर। मतलब कि 19 मिलियन लोग जो हैं, करीब करीब 2 करोड़ लोग इससे पैकेज खरीदते थे और पूरा ट्रैवल करते थे। और इसका अलग अलग बिजनेस है, जैसे कि होटल्स बिजनेस है, रिसॉर्ट्स का बिजनेस है, एयरलाइंस, जैसे कि आपने देखिए जो IRCTC है हमारे इंडिया में, उसका रेलवे का बिजनेस है। तो साथ में वो लोग कई बार टूर्स एंड पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि लोग जो हैं रेलवे के थ्रू, ट्रेन के थ्रू भी जा सकें और वहाँ पे जाके घूम सकें। तो इसी तरह का इसका भी बिजनेस है करीब करीब, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है। और भी इसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, इसको आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब सबसे मेन बात आती है कि आखिर इसका लिक्विडेशन क्यों कराया गया, मतलब क्या क्या चैलेंजेस ये फेस कर रही थी। सबसे पहली बात है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स। कहने का मतलब है, आप रिसेंटली देखे होंगे बहुत सारे ऐड आते हैं कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स खुल चुके हैं, और जिसकी वजह से इनका जो पूरा बिजनेस है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा था। लोग दूसरे सारे वेबसाइट्स पे शिफ्ट हो रहे थे। साथ में जो टूरिस्ट हैं वो आजकल इंडिपेंडेंटली भी प्लान करने लग गए हैं। पहले अक्सर क्या होता था कि एक पूरा पैकेज लेकर जाया जाता था, आजकल ज़्यादातर टूरिस्ट क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली खुद से प्लान करते हैं और खुद से एयर की टिकट्स बुक कर लेते हैं, और इस तरह से किया जाता है, जिसकी वजह से इसका बिजनेस डाउन हो रहा था। साथ में वेदर रिलेटेड इशूज़ काफ़ी सारे कंट्रीज़ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो टूरिज़्म है वो काफ़ी कम हो रहा है, और जिसका प्रभाव यहाँ पे थॉमस कुक के ऊपर भी आया है। साथ में आप कई सारे कंट्रीज़ में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी देख रहे होंगे, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया स्पेशली, तो उसकी वजह से भी इनका जो पूरा बिजनेस है डाउन आया है। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस फेस किए जा रहे थे थॉमस कुक के द्वारा। और ये कोलैप्स क्यों हुआ है, तो सबसे पहली बात, ये जो ब्रिटिश कंपनी है, रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया कि इसका जो पूरा फाइनेंशियल ट्रबल था वो काफ़ी डीप हो चुका था, काफ़ी गहरा हो चुका था, और इस समय करीब करीब $2.5 बिलियन का, जो US डॉलर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पूरा ओवरऑल डेट हो चुका था, जिसकी वजह से इनको कुछ ना कोई क्रेडिटर्स चाहिए था, ताकि इनके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट कर सके, इनको कुछ बिजनेस कुछ पैसे दे सके, ताकि इनका जो रनिंग कॉस्ट है वो इससे निकल सके। तो इस तरह आप देखेंगे तो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था। जैसे कि मैं आपसे बताऊँ, एक चाइनीज़ कंपनी है फोसून नाम से, FOSUN, तो ये जो थॉमस ग्रुप है उनका इनसे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, और यहाँ पे कुछ 900 मिलियन पाउंड, देखिए यहाँ मैं ब्रिटिश पाउंड की बात कर रहा हूँ, तो 900 मिलियन
ब्रिटिश पाउंड के आसपास पैकेज जो है ऐसा डिसाइड कर लिया गया था। देखिए मैंने कई सारे वेबसाइट पे गया, फॉरेन न्यूज़ का पेपर्स देखा मैंने, तो वहाँ पे अलग अलग फिगर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली जो अपने इंडिया की इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का न्यूज़पेपर है उसका फिगर लिया है। तो यहाँ पे जो फिगर है उस पे ज़्यादा आपको नहीं ध्यान देकर आपको यूँ समझना है कि इनको कुछ ना कुछ बेल आउट पैकेज सा चाहिए था, अब कोई ना कोई क्रेडिटर चाहिए था, तो उस पे यहाँ पे उनकी चर्चा चल रही थी फोसुन नाम की जो चाइनीज़ कंपनी है उनसे, ताकि ये जो विंटर मंथ्स आने वाला है जल्दी, आपको पता है विंटर में जो टूरिस्ट होते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है, तो जितना भी उनका बिजनेस हुआ है, जितना भी कॉस्ट लगा है पूरे समर सर्विसेज का, तो उसका कॉस्ट उनको देना पड़ेगा, जितने होटल्स हैं रिसॉर्ट्स हैं वो उनको पे करने थे, तो इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो निकालने के लिए कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि फोसुन जैसी कंपनी उनको दे दे। तो ऐसा माना जा रहा था कि वो लोग 900 मिलियन का जो पैकेज है वो देने को तैयार थे, लेकिन थॉमस कुक को कहीं ना कहीं और भी 250 मिलियन पाउंड और चाहिए थे, एडिशनल चाहिए थे ताकि वो अपना बिजनेस चला सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो पूरा रेस्क्यू डील है वो पूरी तरह से टॉरपीडोड हो गया, मतलब टूट गया। और जो बॉसेस हैं थॉमस कुक के, जो प्रमोटर्स हैं उनके बीच में रिसेंटली लंदन में आई थिंक संडे या सैटरडे को वो लोग काफ़ी ट्राई कर रहे थे लंदन में कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकल सके, लेकिन ये टोटली एक तरह से फेल हो गया, जिसकी वजह से अब ये लिक्विडेशन की तरफ जा रही है। और जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे thomascook.com तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ निकल के आएगा कि थॉमस कुक यूके एंड एसोसिएटेड यूके एंटिटीज हैव एंटर्ड कंपल्सरी लिक्विडेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा मैप है यहाँ पे लगाया हूँ आपके लिए, तो ये रडार का पिक्चर है। तो जैसे ही डिसाइड किया गया, आप नॉर्थ साइड में देख सकते हैं ये यूके है, आप अच्छे से इसको देखेंगे अगर, तो ये यूके का पार्ट है। तो जैसे ही डिसाइड किया गया कि इसको क्लोज कर दिया जाएगा थॉमस कुक को, तो आप देखिए जितने भी फ्लाइट्स आप देख रहे होंगे वो वापस यूके की तरफ चलने लग गई। आप देखिए जितने भी फ्लाइट्स का डायरेक्शन है आप देख सकते हैं वो यूके की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे। तो इस तरह से पूरा इसको कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, ये जो पूरा कोलैप्स हुआ है थॉमस कुक, तो करीब इसके 21,000 पीपल जो हैं डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, मैं ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएगी, और जो इनडायरेक्ट जो लोग एम्प्लॉयड हैं इसके थ्रू उनके ऊपर भी पूरा प्रॉब्लम आएगा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय करंट में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 6 लाख लोग, 6 लाख पीपल अब्रॉड ऑलरेडी जा चुके हैं, मतलब कि वो ऑलरेडी टूर पर हैं करेंटली। कहने का मतलब है करीब 1.5 लाख सिटीजन्स ऐसे हैं जो ब्रिटेन के हैं, जो लंदन से डायरेक्ट कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज घूमने गए हैं, ये इनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। बाकी करीब 4.5 लाख जैसे कि जर्मनी हो गया, जर्मनी से वो लोग चाइना गए घूमने, जर्मनी से इंडिया आए घूमने, तो इस तरह से करीब 6 लाख लोग जो हैं ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो इसके लिए यूके सरकार क्या कर रही है, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया है, लॉन्च किया गया है यूके गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है मैटरहॉर्न, जिसके थ्रू 6 अक्टूबर तक जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है यूके की वो एक रिपैट्रिएशन प्रोग्राम चलाएगी, जिसके थ्रू जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं उनको वापस यूके में लाया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है ये अभी तक का हिस्ट्री में सबसे बड़ा पीस टाइम ऑपरेशन चलने वाला है। और यहाँ पे आप इसका न्यूज़ भी देख सकते हैं, यूके लॉन्चेस बिगेस्ट पीस टाइम ऑपरेशन आफ्टर थॉमस कुक कोलैप्स। अब बात आती है कि जो लोग ब्रिटेन के नहीं हैं, जो यूके के नहीं हैं, अगर सपोज कोई पर्सन जर्मनी से चाइना घूमने गया था, तो अब चाइना से वो यूके तो जाएगा नहीं, उसको जर्मनी आना है, तो जर्मनी कैसे आ सकता है, तो इसके लिए कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कराने की कोशिश की जा रही है ब्रिटेन के द्वारा, थॉमस कुक के द्वारा, ताकि जैसे कि एग्जांपल लीजिए जर्मनी में एक इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि उनके जो कंट्री के लोग हैं उनको वापस लाया जा सके। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये जो ऑपरेशन मैटरहॉर्न है क्या ये पहली बार हो रहा है, तो लेट मी टेल यू 2017 में भी ऐसा ही एक मोनार्क एयरवेज था जो कोलैप्स हो गया था, यूके का ही था, तो यहाँ पे उस समय भी एक पूरा रिपैट्रिएशन ऑपरेशन चलाया गया और ये भी सक्सेसफुल हुआ कहीं ना कहीं, और इसका जो टोटल कॉस्ट आया दोस्तों करीब 50 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आया है। और अल्टीमेट सी बात है कि इसका जो पूरा भार है वहाँ की जो टैक्सपेयर्स जनता है उसके ऊपर आएगा। साथ में आप देखिए यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं जो कि ऑलरेडी बुक करा चुके हैं, मतलब वो अब्रॉड नहीं गए, अभी तक घूमने नहीं गए, तो उनके साथ यहाँ पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है यूके की, उन्होंने ये गाइडलाइंस जारी की है कि थॉमस कुक कस्टमर्स इन द यूके येट टू ट्रैवल शुड नॉट गो टू द एयरपोर्ट, क्योंकि जो जितनी भी फ्लाइट्स हैं अब थॉमस कुक की वो कैंसिल कर दी गई हैं, अब उनको एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो CEO हैं थॉमस कुक के, पीटर फैंक कॉसर, तो यहाँ पे उनका बयान आया, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू आवर मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, पार्टनर्स
who have supported us for many years. So कहीं ना कहीं ये वो माफ़ी मांग रहे हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं इसको पूरा बचाने में. तो अल्टीमेटली एक और क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या ये जो पूरा थॉमस कुक जो ग्रुप है वो कोलैप्स हुआ है, क्या इसका प्रभाव इंडिया पर भी आएगा? तो लेट मी टेल यू, ये थॉमस कुक इंडिया का ऐसा ट्विटर अकाउंट है, तो यहाँ पर उन्होंने बयान जारी किया कि थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड बिजनेस इज नॉट इम्पैक्टेड बाई द बिजनेस सिचुएशन ऑफ थॉमस कुक इन यूके, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो सिर्फ एक ब्रांड नेम शेयर करते हैं थॉमस कुक ग्रुप के साथ, मतलब कि जो थॉमस कुक इंडिया है वो कंप्लीटली एक डिफरेंट एंटिटी है जो थॉमस कुक का जो ग्रुप है यूके से. तो कहीं ना कहीं इसका जो इंपैक्ट है वो थॉमस कुक इंडिया पर कतई थोड़ा सा भी नहीं आएगा, ऐसा कहना है थॉमस कुक इंडिया का. और ये भी देखिए यहाँ पे क्या है कि थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड इज़ अ डिफरेंट एंटिटी सिंस बीइंग एक्वायर्ड इन 2012 में एक कनाडा की कंपनी थी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग, उन्होंने ये जो पूरा इंडिया का बिजनेस था वो उन्होंने खरीद लिया था, जिसकी वजह से आज के डेट में थॉमस कुक इंडिया जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट एंटिटी है. तो लेट मी टेल यू, ये मुझे भी नहीं पता था, जब ये क्राइसिस के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा था तो मुझे पता लगा कि थॉमस कुक इंडिया जो है वो कम्प्लीटली अलग है थॉमस कुक ग्रुप से. तो आई होप कि ये जो पूरा मामला था थॉमस कुक कोलैप्सेस का ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून.